हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कर्व बीम को मॉडल करते हैं हम लोग और कैसे उसको एनालिसिस करके हम उसका डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ एक ही कमांड है एक्स्ट्रा जो हमें यहाँ पे यूज करनी होगी कर्व बीम बनाने के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल नेम कर्व बीम ले लिया, लोकेशन चूज कर दिया, एनालिटिकल में मैंने रख दिया इसको, मेट्रिक यूनिट मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है। आई सिंपली हिट क्रिएट। मैं क्या करूंगा, अभी एक सिंपल सी ऐसी एक पोर्टल फ्रेम बनाऊंगा जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है। इसके कॉलम 400 बाय 400 mm के हो जाएंगे। जो कर्व बीम है, जो ऊपर की तरफ ये जो बीम है, इट्स काइंड ऑफ अ कर्व बीम होगी ये, और 400 बाय 250 mm उस बीम का साइज होगा। और लेट्स से इसका रेडियस जो होगा, क्योंकि कर्व है तो कर्व का एक रेडियस होगा, लेट्स से द रेडियस इज 5 मीटर। ओके, वी विल टेक दैट एज अ 5 मीटर एंड देन आई विल डू द यू कैन से एनालिसिस इन द डिजाइन। तो हमारे स्टार्ट प्रो में आ जाते हैं। यहाँ ऊपर जो हमारे पास ग्रिड है, ग्रिड के अंदर अगर हम लोग जाएंगे, हमारे पास बीम ग्रिड है। बीम ग्रिड में हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट ग्रिड बना हुआ होता है, पहले से डिफॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट, और वो सामने आ जाता है। अगर आप इसको एडिट करना चाहो तो इस ग्रिड को सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट कर सकते हो, और आप एक्स में कितनी लाइन्स चाहते हो, कितनी कितनी दूरी पे चाहते हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे अभी हाल फिलहाल 1 मीटर 1 मीटर की डिस्टेंसेस पे एक्स में 10 ग्रिड्स है और वाई में भी 10 ग्रिड्स। ये सारी मैं चीजें पहले आपको वैसे भी बता चुका हूँ, ठीक है। लेट्स से द हाइट इज, लेट्स से द 5 मीटर, दिस हाइट इज लेट्स से इज 5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो लेट्स से 5 मीटर, ठीक है। तो 5 मीटर के मुझे कॉलम बनाने हैं पहले, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरा स्नैप नोड ऑन है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो स्नैप नोड भी मेरा ऑन है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, 5th पे जाऊंगा। अब ये आगे की तरफ मेरा कर्सर जा रहा है, ठीक है, पर मैं आगे अभी ऐसे नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरी जो यहाँ से बीम जो होगी वो कर्ड होगी, तो मैं उसको बाद में बनाऊंगा, पहले दूसरा कॉलम बना देता हूँ। तो फॉर दैट मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा। कंट्रोल से क्या होता है, वो पहले वाली कमांड जो होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेली वो ऑफ हो जाती है, और यू कैन गो अहेड और दूसरे पॉइंट पर आप क्लिक कर सकते हो। तो लेट से मैं यहाँ 5 वाला ये जो पॉइंट है यहाँ चले जाता हूँ, और मैं यहाँ से कंट्रोल दबा के मैं यहाँ क्लिक करूंगा एंड देन फिर मैं कंट्रोल छोड़ के नीचे आ जाऊंगा और मैं टिल पॉइंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं स्केच से बाहर आ जाता हूँ, ग्रिड को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ मेरे 2 कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। व्यू में आके मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ माउस व्हील से। नाउ मुझे यहाँ पे कर्व बीम बनानी है। कर्व बीम पिछले वाला जो V8i एडिशन था उसमें अलग जगह आता था, और अभी कनेक्ट एडिशन है तो उसमें अलग जगह आता है। तो कनेक्ट एडिशन के अनुसार ही मैं बताऊंगा, आपको ज्योमेट्री में जाना है। एड बीम में यहाँ पे नीचे की तरफ कर्व बीम आ रहा है, आप कर्व बीम पे क्लिक करो तो आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको सबसे पहले दोनों एंड पे क्लिक करना है जहां पे आपकी बीम रेस्ट करेगी, एक यहाँ एक यहाँ। जैसे ही ये काम पूरा होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मांगा जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 5 था, मैंने 5 डाल दिया एंड आई सिंपली प्रेस ओके। ये कुछ इस तरीके से हमारा एक रेडियस बन गया, ठीक है ना। मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। अब हमारा काम है प्रॉपर्टी लगाना। मैं प्रॉपर्टी में जाता हूँ, और मेरी बीम की प्रॉपर्टी हमने देखी थी कितनी थी, 400 बाय 250 mm की। तो यहाँ एक डिफाइन कर लेते हैं हम रेक्टेंगुलर में जाके, 0.450 क्योंकि मीटर मांग रहा है वो, एंड 0.450 का कितना था, नहीं इट वाज 400, सो लेट टेक दिस 100 एंड 250, इसको ऐड कर दिया। सिमिलरली एक कॉलम भी हमारे पास 0.400 बाय 0.400 का, 0.400 बाय 0.400 हो गया एट क्लोज, ठीक है। वो हम फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी उसको लेंगे, सेलेक्ट में जाके बीम कर्सर से हम बीम को सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारी ऊपर वाली बीम को, ठीक है, और इसको हम असाइन टू सेलेक्टेड बीम पे करके असाइन करते हैं। सिमिलरली हम हमारे नीचे वाले कॉलम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और हमारी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन असाइन एंड असाइन, यस असाइन, ठीक है। मटेरियल में जाते हैं, सब पे वैसे कॉन्क्रीट लगा हुआ है, यहाँ कॉन्क्रीट है, अगर कॉन्क्रीट को एडिट करके आप उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एडिट करना चाहो तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एडिट कर सकते हो। लेट्स से मैं कर देता हूँ 25,000 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ओके। असाइन टू व्यू, असाइन एंड असाइन, वैसे नहीं करता तो वैसे भी एडिट हो जाता हो। सपोर्ट्स में चले जाते हैं हम लोग, एक फिक्स सपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। हम सेलेक्ट में जाते हैं, नोड्स में जाते हैं, हमारा पहले सपोर्ट सेलेक्ट रखते हैं, नीचे फिर नोड सेलेक्ट कर लेते हैं, असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, असाइन करके यस कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेलेक्ट हो गया। लोडिंग में जाते हैं, लोड केसेस में जाएंगे, ऐड करेंगे, एक डेड लोड ले लेते हैं, अभी हम समझ रहे हैं बस इसलिए, तो ओनली आई विल टेक अ डेड लोड, क्लिक ऑन ऐड। डेड लोड पे जाते हैं, ऐड करते हैं, सेल्फ वेट हमेशा की तरह लेते आए हैं, एक -1 पे डाल देते हैं। सिमिलरली एक मेंबर लोड ले लेते हैं, लेट्स से -5 किलोन्यूटन पर मीटर का, ऐड करके क्लोज कर देते हैं।
सेल्फ वेट को पूरे स्ट्रक्चर पे असाइन कर देते हैं, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। सिमिलरली हमारी बीम को पकड़ते हैं ऊपर, उसके ऊपर सिर्फ ये लोड लगा देते हैं, दैट इज हमारा 5 kN का, असाइन एंड यस। ठीक है, मेरे इसमें थोड़ी सी ग्राफिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे जनों के भी, दूसरों के भी ग्राफिकल प्रॉब्लम आ रही थी कि एक बार में वो दिखता नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसको एडिट करके आप थोड़ा सा कुछ चेंज कर देना, मतलब कोई एक बार माइनस करके, एक बार मिटा के फिर से 5 करके उसको चेंज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ चलता है। शिफ्ट प्लस वी से आप वैल्यूज देख सकते हो, शिफ्ट प्लस वी करोगे तो आपको वैल्यूज दिख जाएगी, क्या वैल्यू है, -5 kN/m एंड ऑल दैट। आई सिंपली कंट्रोल प्लस एस सेव कर दूंगा मैं इसको। अब जाते हैं हम लोग एनालिसिस में, डिफाइन कमांड्स में जाते हैं, एक ऑल ले लेते हैं परफॉर्म एनालिसिस में और ऐड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और मैं इसको सिंपली लेट्स डिजाइन ही कर लेते हैं लग गया साथ में, अगर कुछ होगा फेलियर तो फेलियर भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ कॉन्क्रीट पे क्लिक करूंगा डिजाइन कमांड में, और यहाँ करंट कोड में मैं मेरा कोड ले लेता हूँ IS-456। कमांड्स में जाता हूँ और मैं एक बीम कमांड ले लेता हूँ ऐड, और एक कॉलम कमांड लेके मैं कर देता हूँ ऐड और क्लोज। अब बीम को बीम पे असाइन करना पड़ेगा, तो मैं पीछे बीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरी बीम ये सेलेक्टेड है, डिजाइन बीम सेलेक्टेड है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स पे क्लिक करके असाइन, यस, तो ये कमांड उस पर लग गई। सिमिलरली मैं दोनों कॉलम्स को पकड़ लेता हूँ, दोनों कॉलम्स को मैंने पकड़ लिया ऐसे, डिजाइन कॉलम पे रखा, सॉरी पहले कमांड सेलेक्ट करी, फिर मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, फिर मैंने असाइन पे क्लिक किया। ठीक है, ये स्ट्रिड का लॉजिक है, सिंपल सा, पहले प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, फिर मटेरियल सेलेक्ट करना और फिर असाइन करना। अभी असाइन हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, वी विल गो एंड रन एनालिसिस। वैसे हमेशा पहले एनालिसिस करना चाहिए, चेक करना चाहिए इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नॉट, देन वी ऑप्ट फॉर द डिजाइन पर्पस। ओके, तो ये हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। व्यू आउटपुट फाइल पे जाते हैं अपन, और नीचे मेरी आउटपुट फाइल खुल गई है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहां पे बीम एंड कॉलम दोनों डिजाइन हो चुके। बीम पे डबल बार में क्लिक करूंगा, मेरे को कंट्रोल माउस व्हील फॉरवर्ड करूंगा, थोड़ा जूम हो जाएगा। ये IS-456 लिमिट स्टेट के अनुसार बीम नंबर 3 डिजाइन हो चुकी है, बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया FE-415 मेन बार है, और दूसरा जो रिइंफोर्समेंट है वो भी 415 ग्रेड का ही है। लेंथ साइज वगैरह जो हमने दी थी वो कवर इन्होंने 30 लिया है। देखो कवर वाली कमांड और ये सारी कमांड्स आप डाल सकते हो, जब मैं डिजाइनिंग का बताऊंगा तब मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे रीइन्फोर्समेंट आ गया, टॉप रीइन्फोर्समेंट कितना एमएम स्क्वायर में चाहिए वो टॉप, और बॉटम में उस कर्व्ड बीम के अंदर कितना चाहिए होगा वो बता दिया है यहाँ पे। उसी को स्टड प्रो ने बार्स में भी बता दिया है, दैट इज 3 बार्स लगेंगे हमारे पास 10 mm डाया के, यहाँ पे ऊपर की तरफ पूरे वही चलेंगे, इधर कोने में हमारे पास 4 बार्स है जहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्टील का एरिया ज्यादा है। बॉटम में 2 बार्स चल रहे हैं 12 mm डाया के, शेयर स्ट्रिप्स आप देख सकते हो 2 lakh शेयर स्ट्रिप्स चल रहे हैं 8 mm डाया के एट द रेट 270 mm सेंटर टू सेंटर ऑफ डिस्टेंस, सिंपल सी बात। सिमिलरली आप यहाँ कॉलम पे डबल बार क्लिक करोगे आपकी कॉलम की डिजाइन आ जाएगी। कॉलम में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 8 बार्स ऑफ 12 mm डाया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो, और उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स लग रही है वो लग रही है 8 mm डाया की टाइज लगेगी एट द रेट 190 mm सेंटर टू सेंटर। तो इतना ईजी है हमारा, यू कैन से सर्कुलर बीम्स को डिजाइन करना। तो आप ऐसा इसको सब स्ट्रक्चर्स में यूज कर सकते हो, जहां पे भी यूज करना चाहो आप। जैसे अभी हमने तो इसको सामने सेक्शनल व्यू में देखा है, आप प्लान व्यू में देखना चाहो तो वैसे भी आप कर सकते हो व्यू चेंज करके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक सर्कुलर बीम डिजाइन करते हैं स्ट्रट प्रो कनेक्ट एडिशन।